अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। मैं हूँ नीलम और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स और वो भी बेसन। और ये है एक क्रीम, आप कोई सा भी जो है ना क्रीम ले ले, फेयरलेस वाली जो वाइटनिंग वाली क्रीम है, कोई सा भी ब्रांड का, ज़रूरी नहीं मैं इस ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही, मैं एज एग्जाम्पल आपको कह रही हूँ, ठीक है। और एलोवेरा, ये तीन चीज़ें हैं जो आपको अपने ईद में बहुत चारों चांद लगा देंगी। और ज़रूर इसको ट्राई करें, ज़रूर इसको जो है ना मस्ट ट्राई करें, रिकमेंड करती हूँ आपको ये। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी 2 टीस्पून बेसन के, ठीक है, ये 2 टेबलस्पून बेसन। और साथ में मैं इसमें एलोवेरा डाल दूँगी। एलोवेरा जो है ना आपके हर चीज़ पर मतलब बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। आप और दांत आपके अगर येलो हों और आप लोग बहुत मतलब तंग हैं, यार ये दांत हमारे येलो है और इतने पैसे भी खर्च हो रहे होते हैं लोग उनके पास जाते हैं जब हम दांत वाले के पास, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना हम लोग पैसे दे के फिर वाइटनिंग करवाते हैं, ये करवाते हैं। तो आपके पास सिंपल एक इन्ग्रीडियंट्स है जो आप वो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एलोवेरा लेके अपने टूथपेस्ट पे लगा के और उसको ब्रश करें, आप यकीन माने आपके दांत जैसे चमक जाएंगे। खैर अभी हम आते हैं अपने पॉइंट पर। बेसन ले लिया था, 1 टेबल स्पून मैंने एलोवेरा ले लिया था और 1 टेबल स्पून आप कोई सा भी ब्रांड का आप क्रीम ले लें, ठीक है, कोई सा भी ब्रांड का क्रीम ले लें, ठीक है, ये ले लें। और 2 टेबलस्पून में शहद डाल दूँगी इसमें, ठीक है, मैंने डाल दिया। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे इसी तरह से अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आप अपने चेहरे को अपने किसी भी मतलब जिस चीज़ से आप वो हों तो आप उसको अच्छे से ग्लो भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने कल बहुत एक अच्छी सी रेमेडी दी है, अच्छे से रेसिपी भी दिया हुआ है, उस पर भी जाके आप कमेंट्स करें। कौरमा मसाला, कौरमा बनाया था मैंने, तो वो भी ईद के स्पेशल था, वो भी आप जाके विज़िट करें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ईद के लिए। तो बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं अपने चैनल पे आप लोग को बस इजी से इजी चीज़ें सिखाती हूँ, तो आप उसको जाके वॉच करें, ठीक है। ये मैंने पेस्ट बना लिया और अब इसको लगाने का तरीका ये है कि हम इसमें थोड़ा सा ले लेंगे अपने हाथों पर या आपकी स्किन पर, ठीक है, ये हमने लगा लिया और इसको अच्छे से हम रब करेंगे इस तरह से, इसको जितना गुस्सा निकाल सकते हैं ना उतना गुस्सा निकाल लें ताकि ये बहुत ज़बरदस्त सा आपके चेहरे पे कलर भी आए, कलर आए कहें, आपके चेहरे को ग्लो करें अच्छे से। इस तरह से इसको लगा देना है मास्क की तरह, ठीक है, ये मास्क की तरह लग रहा है बिल्कुल, इस तरह से आप लगा देंगे, ये देखें। और आप 5 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़ देना, उसके बाद आप अपने किसी फेस वॉश से धो लें और ठंडे पानी से थोड़ा सा धो लीजिएगा, ये देखें इस तरह से, ओके, इस तरह से लगा के 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। तो ये देखें ग्लो, ये देखें, ये आप देख रहे हैं ये कितनी ज़बरदस्त स्किन हो गई है, कितनी सॉफ्ट हो गई है, कितनी ज़बरदस्त हो गई, कितनी मुलायम सी स्किन हो गई। और ये मैंने इसमें नहीं लगाया था, आप इन दोनों में फर्क देख सकते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रखा था। इसको देखें बिल्कुल लाइट सा कलर हुआ है, ठीक है, और सांवला सा कलर, ये फिर भी थोड़ा सा साफ़ हो गया, ये देखें फिर भी थोड़ा सा साफ़ हो गया। और ये रिकमेंड इसलिए मैं करूँगी क्योंकि आप लोग जब भी मेकअप करो और मेकअप से 5-10 मिनट पहले आप ये मास्क लगाओ तो आप फिर उसके बाद मेकअप करना और इसका रिज़ल्ट देखना कितना ज़बरदस्त आता है। तो ठीक है, अगर आपको मेरे ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये ज़रूर ट्राई करें। विद इन अ वीक आपको ये रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आप मुझे दुआएं देंगे। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, ताक रहते हैं, इबादत करें, सबके लिए दुआएं करें। तो मुझे दें इजाज़त, टिल देन अल्लाह हाफिज़।